कैसे हेलो, हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ संगीता, आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम कहीं जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ साथ में। और कोई अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर। और कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमारी गाड़ी वहाँ पर रेडी है और अभी हम लोग जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। और ये जो वीडियो है ना, ये थर्सडे का है। सो मैंने पहले होम टूर और किचन टूर दे दिया है, तो अगर कोई किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। गुड मॉर्निंग बोलिए। अच्छा से बोलिए। लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब। हाँ। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं, और जा रहे हैं कहाँ हम आपको आगे में बताऊंगी आपको। तो प्लीज वीडियो पे बने रहें, और कोई नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। तो अभी हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हो, ब्लू कलर का सूट पहना है मैंने, अनारकली। और इसके बगल में जो खड़ी है वो आंटी है, और ये मम्मी है। तो हम लोग सब जा रहे हैं, अंकल आंटी, बस मेरे भाई को छोड़ के हम लोग सब कोई जा रहे हैं आंटी के घर। और तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक भाई तो है, एक भाई नहीं, दोनों ही भाई हैं, तो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे चलिए अभी चलते हैं, फिर मैं आप लोग को फिर आगे मिलती हूँ। तो इन्जॉय करें फ्रेंड्स, और मैं आपको आगे बताते जाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, इसका रीज़न क्या है कि हम लोग 4 साल के बाद उनके घर जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। के हम लोग थोड़ा जा रहे हैं वहाँ पे कुछ वगैरह लेने के लिए। चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग मिठाई लेने वाले हैं, और मिठाई किस लिए हम लोग ले रहे हैं आपको बताऊंगी जरूर आगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी मिठाई थी, तो इसमें से कुछ लिया हम लोगों ने, और फिर हम लोग निकल पड़े क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। और यहाँ पे हम लोग सबको बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है ऐड कर रही थी, और मम्मी जल्दी वीडियोस में नहीं आती हैं, तो आज जो उनका अच्छे से मैंने वीडियोस बनाया है। और ये देख सकते हो हमारा यहाँ का जो भी रोड या हाईवे जो भी है, मुझे नहीं पता। तो ये वीडियो मेरे अंकल ने बना दिया था क्योंकि वो फर्स्ट में सीट में बैठे हुए थे। और चलिए इंजॉय करें। बहुत ही लंबा है, तो दो तीन घंटे हमें लग गए जाने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलती हूँ। ओके, ओ रिपेयरिंग चलते हैं। कहाँ पे है? और भी ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, और भी ऊपर है,
फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं और अभी जस्ट आके बैठे हैं। फ्रेंड्स सभी हम लोग जस्ट आए हैं, तो आने के बाद थोड़ी देर में घर में चारों तरफ घूम के घर देख रही थी और आंटी ने बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके रखा है, डेकोर करके घर को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं देख रही थी। और वीडियोस भी मैंने ऑन किया कर दिया था मोबाइल की, चलो कुछ भी वीडियो वगैरह हो जाएगा मेरा ब्लॉगिंग वगैरह तो अच्छा रहेगा, आप लोग से शेयर करूँगी आगे जाके। और यहाँ पे देख सकते हो, और वो मेरी आंटी है जिनसे हम मिलने आए हैं, तो थोड़ी देर में उनको अच्छे से मैं आपको दिखा दूँगी। और बहुत ही एक खुशखबरी है कि उनका बेबी होने वाला है, तो 7th मंथ चल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत दिनों बाद उनका बेबी आने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मेरी सिस्टर से मिलाऊंगी, मेरे अंकल से, आंटी से, सबसे आपको मिलाऊंगी आगे। और भगवान से आप लोग प्रे करो कि प्लीज़ उनका बेबी बहुत अच्छे से हो जाए और उन्हें जो बेबी चाहे वो मिले। तो बस आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे आंटी के लिए प्रे करना कि उनका सब बहुत अच्छे से डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो जाए। और यहाँ पे ये देख सकते हो, मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो जो है क्लिप ऐड करते जा रही थी ताकि मैं अच्छा से एक ब्लॉग बना पाऊँ, जब मन करे मैं इसे देख पाऊँ और देख के अपना जो है एंजॉय कर पाऊँ। तो हम लोग 10:30 बजे तक पहुँच गए थे, तो आंटी ने हमें ब्रेकफास्ट के लिए टोस्ट वगैरह और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब दिया था उन्होंने, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे अभी यहाँ पे। और ये देखिए मेरी सिस्टर, मैं और मम्मी सब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप भी आए इंजॉय करें। और बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और घर भी वहाँ का बहुत अच्छा था। हम लोग का यहाँ जिस तरह से घर है ना, उससे वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वहाँ पे 2 बेडरूम्स दिए गए हैं। और मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, किसी को अगर देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, होम टूर अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही दिया है। तो यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं और चिप्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं, चॉकलेट्स, हम लोग बच्चों को जो जो पसंद है, चोको पाई वगैरह सब कुछ अंकल लाए थे, तो हम लोग वही बस इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर तो चलिए आप भी इंजॉय करें, और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और ये मेरी सिस्टर है लवली, तो लवली अभी जस्ट पहले थोड़ी देर पहले आप लोग को हाई कर रही थी, सो हम लोग को जैसे आपने एक्सेप्ट किया है वैसे ही मेरी सिस्टर को भी एक्सेप्ट करें। और बहुत उनका एक भी इसकी मेरे चैनल पर वीडियो नहीं है, क्योंकि वो मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं, सो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए मैं आई हूँ टेरेस पे, और हम लोग के वहाँ पे तो टेरेस नहीं है, तो आप लोग यहाँ का टेरेस देख सकते हो, ये मेरे अंकल का घर है। तो आप लोग को जैसे मैं बोला था कि मैं जाऊँगी अंकल के घर, कहाँ जा रही हूँ, तो बस वही देखिए, ये मेरी सिस्टर है लवली, लवली इधर आ। तो इसे आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्योंकि ये हम लोग के पास पहले रहते थे, अब ये लोग बहुत मतलब हम लोग से घर से बहुत ज़्यादा दूर में आ गए हैं। तो ये उनका घर है और ये देखिए उनका टेरेस है। तो फ्रेंड्स वही बस आए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे आंटी का छोटा सा गार्डन, और फिर दिखाऊंगी घर, मतलब होम टूर भी दूंगी इसी वीडियो मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, और चलिए छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पे अंकल चिकन ग्रिल किए थे, तो ओवन में ही किए थे, तो हम तो कभी किए नहीं हैं, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। सो बस ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और सावन का महीना चल रहा है, तो मैं अभी नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो इसीलिए ये बच्चे लोग सब खा रहे हैं, और अंकल आंटी भी नहीं खाते हैं, और आज थर्सडे था तो मम्मी लोग भी नहीं खाएँगी। और यहाँ पर देखिए अंकल कर रहे हैं कुकिंग, नहीं अंकल आंटी ना सारा कुकिंग कर चुके थे, बस वो फ्राई वगैरह बचा हुआ था, तो वही अंकल कर रहे थे। और मैं वहाँ पे गई थी देखने के लिए वो क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पे पटल, बैगन और शायद आलू, ये तीनों का ये मिक्स और मतलब फ्राई हो रहा था। यहाँ पे देखिए ओवन में जो है ना ये
चिकन ग्रिल हो रहा था, तो बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं, फिर और एक बार अंकल ने लगाए हैं। तो इसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं क्योंकि हमने कभी यूज़ नहीं किया है। तो बस यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही थी, अंकल मुझे दे रहे थे कि टेस्ट करो, सो मैं टेस्ट कर रही थी। मैंने बनाया है। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? तुम्हारा भी है ना एक छो घर में ऐसा वाला? लव दीदी का फाड़ मत देना। सभी किचन में बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, दोनों आंटियां खाना बना रही हैं, कुछ जो मतलब बचा हुआ था कुछ बनाने के लिए। और ये मेरी सिस्टर जो है खीरा वगैरह सलाद के लिए कट कर रही हैं। और बहुत गर्मी लग रही थी किचन में क्योंकि उनका कुछ ही ना लगा हुआ, फिर भी थोड़ा खाना वगैरह बनता ना, थोड़ा ज़्यादा गर्मी लग रहा था। मैं बस वही इसी के बारे में बात कर रही थी। और अब सबको खाना दिया जाए, मतलब खाना खाएंगे अब सब। लंच टाइम हो चुका है तो यहाँ देखिए मेरी सिस्टर लोग दे रही है, मैं भी दे रही थी, बट मेरा कोई वीडियो नहीं बना दिया, तो उन लोगों का मैंने बस वीडियो बना दिया था आप लोगों को शेयर करने के लिए। यहाँ पे देखिए पापा अंकल और मेरे हस्बैंड, दोनों अंकल सबको ही मिलके खाना खा रहे थे। तो खाना में क्या क्या था चलिए मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम बने थे और बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया, बहुत बहुत ही मज़ा आया। और ये देखिए क्या क्या बना, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये चावल था, दाल, पापड़, पटल पनीर और सलाद, मटन और चटनी टमाटर का। ये बच्चों लोगों को यहाँ पे नीचे दिया गया था क्योंकि डाइनिंग में चार लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और अब उनका सबका खाना हो चुका। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर मटन, चावल, पनीर सब खा रही है। लक्की मटन नहीं खाती तो वो आलू लेके खा रही थी उसमें से। और यहाँ पे आंटी हम लोगों के लिए खाना निकाल रही थी, तो अभी मैं भी खाना इंजॉय करूँगी। तो मेरा आज है सिंपल सा खाना, मतलब नॉन वेज नहीं है और बाकी सब मैं ले रही हूँ। और हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक चना दाल आलू का सब्जी बना था, बहुत ही टेस्टी था सारा खाना, बहुत मज़ा आ गया क्योंकि बहुत दिनों बाद अंकल आंटी के हाथ का खाना खाए थे हम लोग। यहाँ पे रहते थे तो जो भी हम लोग खा लेते थे, बट उतना दूर चले गए तो हम लोग नहीं जा पाते और नहीं खा पाते हैं। और यहाँ पे मैं उसे बोल रही थी अच्छे से वीडियो बनाओ। और ये देखिए पापड़ है, ये उड़ीसा का पापड़ है, दाल है, पटल पनीर है, चना दाल आलू का सब्जी। अभी हम लोग जस्ट लंच किए हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग फिर निकलेंगे यहाँ से। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बैठा हुआ तो बालकनी है उधर, तो अभी थोड़ा सोच रही हूँ जाके वहाँ पे खड़ी होंगी। तो फाइनली फ्रेंड्स वो घड़ी आ चुकी, अब हम लोग जाने वाले हैं। तो बस जाने का तो मन नहीं था, फिर भी हमें जाना होगा। और अंकल आंटी मना कर रहे थे जाने के लिए, रोक रहे थे हम लोग को, बट हम लोग नहीं रोके क्योंकि हम लोग का भी उधर बच्चों का ट्यूशन है मतलब वगैरह वगैरह, तो इसी वजह से। और अभी हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वो मेरे अंकल है और यहाँ पे सब अभी पापा गाड़ी निकाल रहे हैं और अभी हम लोग चले जाएंगे। तो फिर कब आना होगा पता नहीं, अब आंटी का जब बेबी आ जाएगा तब शायद हम लोग आएंगे, तो आप लोग से ज़रूर मिलाऊंगी बेबी से। तो बाय लवली, बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग गए थे बराकर और अभी अंकल हम लोग को बराकर से आगे गए थे हम लोग, तो बराकर ही छोड़ने जा रहे हैं वो हमें। तो बुल्लू जो चाचा है ना, तो वो अंकल बाइक से आ रहे हैं और अंकल गाड़ी ड्राइव करके हम लोग को अभी ले जा रहे हैं बराकर छोड़ने के लिए। तो वहाँ से हमें वो छोड़ देंगे, पापा वहाँ से ड्राइव करके घर जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे, वो बाइक लेके अपने घर आ जाएंगे। तो ये उनका गेट है और ये पूरा, तो फ्रेंड्स जो यहाँ के क्वार्टर्स हैं और यहाँ का जो कॉलोनी है, पूरा जो सोसाइटी में, आप लोग से पूरा टूर शेयर करूँगी दूसरे वीडियो में, किस तरह का होता है ईसेल का क्वार्टर्स, किस तरह का होता है और मतलब सब बताऊँगी आप लोग को और एक नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो के साथ, तब तक बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।